कनीना में आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि ओबीसी चेयरमैन जगदीश यादव व विशिष्ट अतिथि विधायक नरेश यादव ने रिबन काटकर किया। उसके बाद अधिवक्ता सत्यनारायण यादव ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम पार्टी में शामिल हुए। दक्षिणी हरियाणा उपाध्यक्ष सुरेश यादव ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, पंजाब की तरह हरियाणा में भी आप जीतेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुकेश दीवान, जिला उपाध्यक्ष हरिंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष बाल्ठा भूप सिंह, रविन्द्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। मैंने कभी सपने में नहीं देखा कितना समर्थन मिलेगा हमारे को। मेरी 40 साल की राजनीति है, इतना बड़ा बदलाव मैंने कभी किसी स्टेट में नहीं देखा जो आज यहाँ हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पानी देना ना मेरे हाथ की बात है ना किसी सरकार के बात का, ये सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का सबसे बड़ी जो संस्था है हिंदुस्तान की, उसके अंदर अभी केस है, जो फैसला वो करेंगी उस सबको मंजूर रहेगा। कोई भी आदमी किसी भी 20 साल पार्टी छोड़ के ज्वाइन जभी करता है जब उससे विचारधारा मिलती है। कांग्रेस आज भ्रष्टाचार में और परिवारवाद में डूबी हुई है। अगर किसी का बेटा योग्य हो तो उसको राजनीति में ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने अयोग्य बेटाओं के लिए भी नेता यही चाहते हैं कि मेरा बेटा राजनीति में रहे। और भ्रष्टाचार का आपको पता है, कांग्रेस मुन्नी भाई की तरह बदनाम हो चुकी है, भ्रष्टाचार में रहे और नेता भी आपस में बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं, हम एक हैं। देखिए, मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। शिक्षा की बात करें तो मेहरुली में, जैसे आज मैंने अभी बोला भी, 15 स्कूल थे और 15 स्कूलों में आज जो बदलाव हुए हैं वो आप आके देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हमारे स्कूल हो गए हैं। जो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते थे, आज सरकारी स्कूलों में अप्रोच लगा के एडमिशन कराना चाहते हैं। इसी तरह से जैसे मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट है कि चारों तरफ